بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معزز سامعين الكرام आज हम अल्लाह की तौफीक से सूरह रहमान की आयत नंबर 34 तर्जुमा और तफसीर करेंगे। गुज़श्ता आयत करीमा में अल्लाह सुबहानहू व तआला ने लोगों के मुख्तलिफ नज़रियात का तज़किरा किया कि बाज़ लोग मुश्किलात में मसाइब में जब हर तरफ से मायूस और लाचार हो जाते हैं तो वो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब उनकी मुश्किलात को दूर कर देता है तो उनमें से बाज़ तो अल्लाह ताला किस नेमत की कदर करते हैं और बाज़ इसकी नाशुक्री करते हुए अपनी इस निजात और मुश्किल को दूर करने के इस वसाइल और ज़रिए को गैरों की तरफ मंसूब करते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़यामत के दिन से डराते हुए इस बात से मुतनब्बिह किया कि उस दिन से डरो जिस दिन कोई बाप अपनी औलाद के काम नहीं आएगा, औलाद अपने वालिदैन के काम नहीं आएगी और अल्लाह ताला का वादा बरहक है, शैतान लोगों को गुमराह करता है, उसके फरेब में ना आओ। उसके बाद आज आयत नंबर 34 का हम तिलावत करेंगे पहले और उसके बाद फिर इंशाल्लाह इसका तर्जुमा और तफसीर बयान करेंगे। आप أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير أحسن الله سبحانه وتعالى کا ارشاد گرامی ہے۔ یہ آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے پانچ چیزوں کا ذکر کیا ہے اور ساتھ इस बात की वजाहत फरमाई है कि इन पांच चीज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अलावा कोई नहीं जानता और इन्हीं पांच चीज़ों को प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मफातिहुल गैब कहा है, गैब की चाबियां, मफातिहुल गैब। जिस तरह के सही बुखारी के अंदर ये रवायत मौजूद है, अन अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفاتح الغیب خمسہ، غیب کی چابیاں پانچ ہیں، یعنی یہ پانچ چیزیں غیب کی مفاتح ہیں، چابیاں ہیں، یہ مفتاح ان کی جمع ہے مفاتح۔ وقرا، پھر آپ نے یہی آیت مبارکہ تلاوت کی، ان اللہ عندہ علم الساعۃ एक व युनज़्ज़िल अल-ग़ैथ दो व यअलम मा फ़िल अरहाम तीन व मा तदरी नफ़्सुन माज़ा तक्सिबु ग़दन चार व मा तदरी नफ़्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत पाँच। ये चीज़ें जिक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर इरशाद फरमाया इन्नल्लाहा अलीमुन ख़बीर, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ का इल्म कुल्ली रखने वाला है और हर चीज़ से बाख़बर है। ये आयत मुबारका इसके शान नज़ूल में बाज़ मुफस्सरीन ने यह ज़िक्र किया है, ये अगर कोई ये बंद कर देना हाँ जी, तो कहते हैं कि नज़लत फ़ी रजुलिन मिन अहलिल बादिया, एक देहात के रहने वाले एक शख्स के बारे में ये आयत मुबारका नाज़िल हुई जिसका नाम था अल वारिस इब्न अम्र इब्न हारिसा,
अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये शख्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ और आकर इसने आपसे पूछा, इन्ना इमराती हुबला फ़ाखबिरनी माज़ा तले। आप नबी हैं और ये ज़ेन आम तौर पे था कि रसूल उस वक्त में जब ज़माना जहलीत में भी बाज़ लोगों का कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बातें हमें बताते हैं कि ये होगा, ये होने वाला है, तो इसका माना है कि आप गैब जानते हैं। हालांकि उनकी ये बात दुरुस्त नहीं थी। कुरान पाक ने इसकी बार बार वजाहत की कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई वाकयात बयान करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, तिल्का मिन अंबाइल गैब नूहीहा इलैक मा कुंता तअलम अंता वला कौमुक। ये वो गैब की खबरें हैं जिनको हम आपकी तरफ वही करते हैं, हमारे बताने से पहले आपको भी मालूम नहीं था, आपकी कौम को भी मालूम नहीं था। और उसने भी इसी एतबार से ये सवाल पूछा, उसने कहा, दूसरा सवाल उसने ये किया, वह बिलादुना यदबा, हमारे इलाके में कहत साली है, मता यंजिलुल गैस, बारिश कब हो, मुझे ये भी आप बताएं। वलकद अलिमतु मता उलितु, मुझे ये तो पता है कि मैं कब पैदा हुआ हूँ, कहाँ पैदा हुआ हूँ, लेकिन फाखबिरनी मता अमूत, तो मुझे ये बताइए कि मुझे मौत कब आएगी। फिर उसने ये भी पूछा, वकद अलिमतु मा अमिलतुल यौम, आज मैंने जो कुछ किया है वो तो मुझे पता है कि मैंने आज ये काम किया है, फाखबिरनी मा ज़अअलु गदन, तो मुझे ये बताइए कि मैं कल क्या करूँगा, क्या करने वाला हूँ, वो अखबिर नहीं मता तकूम उस्सा, मुझे ये बताइए कि क्यामत कब कायम होगी। वो एक उसने पांच सवाल किए, उनके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह आयत मुबारक नाजिल की। आयत मुबारक का पहले हम सादा तर्जमा करते हैं इसमें रूटीन, फिर उसकी वजाहत करते हैं। इन्नल्लाह इंदहु, क्या तर्जमा इसका है, इन्ना हरफ तकीद है, बेशक अल्लाह ताला इंदहु उसके पास है, इल्मुस्सा क़यामत का इल्म, ये जो ताकीद है इन्ना हरफ ताकीद है, उसके बाद इंदहु ये ज़र्फ़ मुकद्दम है, ये भी ताकीद के लिए कि हसर कर दिया कि क़यामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को, क़यामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला को है। वह युनज़्ज़िलुल गैस, अल्लाह ताला ही बारिश नाजिल करता है, अल्लाह ताला ही बारिश नाजिल करता है। वह यअलमु मा फिल अरहाम, और अल्लाह ताला ही जानता है कि मादा के रहम में क्या है, वो मादा जो कि बच्चे को जन्म देती है तो उनके अरहाम रहम की जमा है, अल्लाह ताला ही जानता है कि मादा के रहमों में क्या है। वह मा तदरी नफ्सुन माजा तक्सिबु गदा, वह मा तदरी, और नहीं जानती नफ्सुन कोई जान, यानी कोई शख्स ये नहीं जानता, माजा तक से वो गदन कि वो कल क्या करेगा, किसी को नहीं मालूम कि कल क्या करेगा। वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, और किसी को वमा तदरी नफ्सुन, और किसी नफ्स को किसी जान को ये भी मालूम नहीं, बिअय्यि अर्दिन कि कौन सी सरजमीन में तमूत वो फौत होगा, उसको मौत आएगी। इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला और हर चीज़ से बाखबर है। इसमें जो पांच चीज़ों का तज़किरा किया उनमें से पहली चीज़ क़यामत है। क़यामत के इलम से मुराद क्या है, अगर हम इसके साथ पहले आयत मुबारका हमने तिलावत की है और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत सही बुखारी के अंदर, इसी की वजाहत दूसरी रिवायत के अंदर है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मफातीहुल गैब खम्स, गैब की चाबियां पांच हैं, ला यअलमुहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा उनको कोई नहीं जानता, ला यअलमु मा फी गदन इल्लल्लाह, वजाहत की इसकी कि कल क्या होगा अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, कल क्या होगा अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता।
ولا يعلم ما تغيض الارحام الا الله. رحموں کے اندر کیا ہے, کیا چیز اس میں پیدا ہوتی ہے, خشک ہوتی ہے, کم ہوتی ہے, بڑھتی ہے, اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ولا يعلم متى ياتي المطر احد الا الله. اور بارش کب نازل ہوگی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا الا اللہ, سوائے اللہ تعالیٰ کے. ولا تدری نفس بأي ارض تموت. اور کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کو موت کس سرزمین میں آئے گی. ولا يعلم متى تقوم الساعة الا الله. یہ بھی کسی کو معلوم نہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی سوائے اللہ تعالیٰ کے. اس میں اس کی وضاحت کر دی. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ قیامت کا علم اپنے پاس رکھا ہے, اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ فرمایا کہ یسألونک عن الساعة ایان مرساها, یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب واقع ہوگی, قیامت کب قائم ہوگی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان کو جواب دیجئے, قل انما علمها عند ربی. انما کلمہ حصر ہے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے. لا یجلیها لوقتها الا ہو, اس کے وقت پر اس کے علاوہ کوئی اس کو ظاہر نہیں کر سکتا, یعنی وہی اس کے. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت کا کلی علم, علامات, نشانیاں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے سکھانے کے ذریعے ہمیں بتا دی ہیں, جس طرح کی حدیث جبریل میں ہے. حدیث جبریل میں بھی جب جبریل امین دین سکھانے کے لیے آئے تو انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیے اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ فاخبرنی عن الساعة, مجھے قیامت کے بارے میں بتلائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا, آپ نے فرمایا من مسئول عنہا بعلم من السائل, قیامت کے بارے میں جتنا پوچھنے والے کو پتا ہے اتنا ہی بتلانے والے کو پتا ہے, جس سے پوچھا جا رہا ہے اتنا ہی پتا ہے, یعنی جتنا آپ کے پاس علم ہے اتنا ہی میرے پاس ہے. پھر انہوں نے سوال کیا, انہوں نے کہا فاخبرنی عن اماراتہا, قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کچھ بتا دیجیے. تو آپ نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا قال ان تلد الامۃ ربتہا, قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی, لونڈی اپنی مالکہ کو جنم دے گی. اس کی علماء نے دو تفسیریں کی, ایک تفسیر تو یہ کیا کہ والدین کی نافرمانی اس قدر عام ہو جائے گی کہ بیٹیاں اپنی ماں پر حکومت کریں گی, بجائے اس کے کہ بیٹیاں ماں کی خدمت کریں وہ ماں پر حکم چلائیں گی, مجھے یہ کام کر کے دو, مجھے وہ کام کر کے دو, وہ بیٹھی بٹھائی ہر چیز کا مطالبہ کریں گے. اگر والدہ ان کو کوئی حکم دے گی تو وہ اس کو نہیں مانے گی, مجھ سے نہیں ہوتا. لیکن ایسے ہوگا کہ گویا کہ ایک لونڈی نے ایک آزاد اپنی مالکہ کو جنم دیا ہے. دوسرا مفہوم علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اسلام کی خاطر جہاد کا سلسلہ عام طور پہ شروع ہو جائے گا, اور کافروں کی وہ عورتیں جو مسلمان کے قبضے میں آئیں گی تو ان سے مسلمان شادی کریں گے, تو جو ان سے بچہ پیدا ہوگا وہ آزاد ہوگا, دوسرا معنی اس کا یہ. لیکن زیادہ تر علماء نے پہلے معنی کو زیادہ بیان کیا ہے کہ والدین اور والدین کی نافرمانی جو کہ بہت بڑا گناہ ہے یہ عام ہوگی, تو مالکہ اپنی گویا کہ لونڈی کو اس نے جنم دیا. فرمایا دوسری نشانی وہ ان تر الخفات, خفات کہتے ہیں پاؤں سے ننگے, حافی کہتے ہیں جو پاؤں سے ننگا ہو. آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ پاؤں سے ننگے تھے, العورات, جن کو پہننے کے لیے صحیح کپڑا بھی میسر نہیں تھا, اگر ان کو تہمت میسر ہے تو قمیض بھی اثر نہیں, یعنی پورا لباس بھی میسر نہیں, تو آپ ننگے بدن لوگوں کو دیکھیں گے. العالی, اعلیٰ کا معنی فقیر, عائل کی جمع, کہ جو فقراء مساکین ہوں گے ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوگا. رعاء الشاء, بکریوں کے چرواہے, یہ وصف بیان کیے, پاؤں سے ننگے, اچھا لباس بھی کوئی ان کا قابل قدر نہیں ہوگا, فقیر ہوں گے, اور
बकरियों के चराने वाले होंगे। जब आप इन लोगों को देखें यह तताबलूना फिल बुनियान कि ये फिर शहरों में आकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाकर फख्र करेंगे, जब ऐसी सूरत हाल पैदा कि कल वो क्या थे और आज क्या हैं, तो फिर समझ लीजिए कि ये क़यामत की अलामत में से एक अलामत है कि क़यामत करीब है, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इसलिए क़यामत, ये आपने फरमाया कि क़यामत जुमे के दिन कायम होगी, लेकिन वो जुमा कौन सी तारीख का होगा, किस महीने का होगा, किस साल का होगा, इसका इलम अल्लाह के पास है, इसका इलम अल्लाह के पास है। तो वह कि इसी लिए उलमा ने क़यामत की निशानियाँ जिक्र की हैं, जमा की हैं कुरान पाक से और अहादीस से, उनको दो हिस्सों में तकसीम किया बाज़ ने कि अलामात सुगरा, छोटी निशानियाँ जो ज़हूर पज़ीर हो रही हैं धड़ाधड़, और बड़ी निशानियाँ जो 10 निशानियाँ हैं जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप क़यामत से पहले ये 10 निशानियाँ देखेंगे। वो 10 निशानियाँ उनमें से भी कोई ज़ाहिर नहीं हुई, उनमें से भी कोई ज़ाहिर नहीं हुई, और उसमें से आपने ज़िक्र किया दज्जाल का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान से नाजिल होना, दुखान का ज़िक्र किया कि धुआँ बरामद होगा, इसी तरह खसब का ज़िक्र किया कि 3 जगह पे लोग ज़मीन में दमसाए जाएंगे, मशरक में, मगरब में और जज़ीरतुल अरब में, 6 निशानियाँ ये। फिर आपने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक दाबतुल अर्ज भी है, क़यामत की निशानियों में से सूरज का मगरब से तुलू होना भी है, क़यामत की निशानियों में से ये भी है कि एक आग बरामद होगी हिजाज से जो लोगों को अर्ज़े माशर की तरफ लाएगी। तो आपने फरमाया कि ये 10 बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं, तो 10 बड़ी निशानियाँ, उससे पहले जो ज़हूर पज़ीर हुई उनको उलमाए किराम ने छोटी निशानियाँ का अलामात सुगरा। बाज़ ने तकसीम को 3 तरह से तकसीम किया है इसको कि क़यामत की निशानियाँ, बाज़ निशानियाँ वो हैं जो ज़हूर पज़ीर हुई और ख़त्म हो गई, गुजर गई, कुछ हैं जो ज़हूर पज़ीर हो रही हैं और कुछ जो हैं क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगे। तो बहरहाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की वही के ज़रिए, वही इलाही के ज़रिए क़यामत की अलामात का तो जिक्र किया, लेकिन जब आपसे क़यामत के फिक्स टाइम के बारे में पूछा गया कि कौन सी सदी में, कौन से साल में, किस जुमे को क़यामत कायम होगी, तो आपने फरमाया ये इलम किसके पास है, अल्लाह ताला के पास है। यानी कुल्ली इलम क़यामत का सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है कि क़यामत कब कायम होगी। वायुनज़िलुल गैस, और अल्लाह ताला ही बारिश को नाजिल करता है, गैस कहते हैं बारिश को। यहाँ पे बाज़ लोग एक एतराज़ करते हैं कि कुरान पाक तो कहता है कि बारिश कब होगी, बारिश को अल्लाह ताला ही नाजिल करता है, इसका इल्म अल्लाह के पास है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये मफातिहुल गैब में से है कि इनका बारे में अल्लाह ताला के अलावा कोई नहीं जानता, जबकि हम देख रहे हैं मौजूदा दौर में कि महकमा मौसमियात वाले, ये फलकियात वाले ये अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं कि अगले 24 घंटों में बारिश होगी, कल रात बारिश होगी, बारिश शुरू होगी तो एक हफ्ता तक जारी रहेगी। तो इसका और इस आयत का तो ज़ाहिर में एक तारुज़ मालूम होता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के अलावा इसका इलम किसी के पास नहीं है कि बारिश कब नाजिल होगी, और जबकि महकमा मौसमियात वाले वो पेशींगोई कर देते हैं कि कल बारिश होगी, अगले हफ्ते में बारिश होगी, तो इसका क्या मतलब है? इसका इसका जवाब ये है कि वो एक अंदाज़ा बताते हैं, तखमीना होता है उनका, जन होता है उनका, हवाओं के रुख देखकर, मौसम के अहवाल देखकर, बादलों की रफ्तार देखकर वो एक अंदाज़ा लगाते हैं, ये उनका एक तखमीना होता है, अंदाज़ा होता है, उनके पास कुल्ली इलम नहीं होता। उनके बताने के मुताबिक बाज़ औक़ात बारिश हो जाती है और बाज़ औक़ात बादल आकर आगे गुजर जाते हैं, बारिश होती है, बाज़ औक़ात वो पेशीन को ही करते हैं, लेकिन उन दिनों में बारिश की बजाय तूफ़ान होता है, बारिश आती नहीं। तो उनका जो वो एक अंदाज़ा बताते हैं
क्यामत कब होगी यकीनी तौर पर, तो इसका इल्म यकीनी अल्लाह के पास है। बाकी जो भी बताते हैं, अंदाज़ा बताते हैं, वो कभी हो जाता है कभी नहीं। तो यहाँ जो इस आयत से में मुराद है, इससे मुराद इल्म यकीनी के कब बारिश कब होगी, अल्लाह ताला ही बारिश को नाजिल करता है। दूसरा ये, महकमा मौसमियात वाले अगर हवाओं के रुख देख कर ये बता भी दें कि फ़लाँ वक्त बारिश होगी, फ़लाँ दिन बारिश होगी, कल बारिश होगी, आज रात को बारिश होगी, वो ये तो बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं बता सकते कि कितनी बारिश होगी। बारिश के बादलों से बारिश के जितने कतरात ज़मीन पर गिरते हैं अल्लाह सबको जानता है, अल्लाह ताला क्यों उसकी तादाद का इल्म है, लेकिन ये तादाद अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। हाँ, कितना ही साइंस तरक्की क्यों ना करें, कितना ही हिसाब किताब के माहिर जोर क्यों ना लगा लें, वो ये नहीं बता सकते कि बारिश के कितने कतरे ज़मीन पर उतरे। ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। बारिश की मकदार क्या होगी, ये इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। तो इसलिए जब कुछ लोगों ने सिर्फ इसी पर एतमाद करते हुए कि बारिश इस वजह से होती है, बारिश उस वजह से होती है, तो ये कहा उस वक्त कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौके पर, हुदैबिया के मुकाम पर पड़ाव आपने किया था, तो रात को बारिश हुई। जब रात को बारिश हुई तो सुबह जिब्रील अमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए अल्लाह का पैगाम लेकर कि अल्लाह ताला ने फरमाया है आज सुबह कुछ लोगों ने असबहबी मोमिनन, कुछ लोगों ने अल्लाह ताला पर ईमान की हालत में सुबह की है, और कुछ लोगों ने ये अल्लाह ताला के साथ कुफर किया है। मन काला, जिसने ये कहा कि मुतरना बिफदलिल्लाह वह हुआ मोमिन भी वकाफिरुन बिलकवाकिब, जिसने ये कहा कि अल्लाह के फजल से बारिश हुई, अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई है, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वो मुझ पर ईमान लाया और उसने सितारों की तासीर का इनकार किया, और जिसने ये कहा कि मुतरना बिनौ कदा व कदा कि बारिश इसलिए हुई है कि फ़लाँ सितारा फ़लाँ जगह पर आ गया था तो हमें पता चल गया था कि बारिश होगी, फ़लाँ सितारा फ़लाँ जगह पर आ गया था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़हुआ काफिरुन भी व मोमिनुन बिलकवाकिब, तो उसने मेरे साथ कुफर किया, सितारों की तासीर पर उसने यकीन रखा। तो इसलिए कि ये बात कि बारिश कितनी मकदार में होगी और बारिश के नजूल का यकीनी इलम, ये भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर कोई बता सकता है और पेशीन कोई करता है महकमा मौसमियात वाले, तो वो उनका एक अंदाज़ा और एक गुमान होता है, तखमीना होता है। तीसरी चीज़, वयालम मा फिल अरहाम, अल्लाह ताला जानता है कि रहम के अंदर क्या है, मादा के रहम के अंदर क्या है। इस पर भी मौजूदा दौर में कुछ लोग इतराज़ करते हैं कि देखिए जी, इनको मफातीहुल गैब कहा गया, जबकि सूरत हाल ये है कि तिब इतनी तरक्की कर चुकी है कि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए मालूम हो जाता है कि माँ के रहम में क्या है, लड़का है लड़की है, बेटा है बेटी है, उसका साइज़ क्या है, उसका वज़न कितना है, ये बातें मालूम हो जाती हैं। जबकि कुरान पाक कहता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही जानता है कि माँ के रहम में क्या है। इसका क्या जवाब है, इसका जवाब भी वही है, अल्ट्रासाउंड वाले जो ज़राए इस्तेमाल करके वो ज़्यादा से ज़्यादा ये बता सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की है, और वो भी यकीनी तौर पर नहीं। आज के दौर में जबकि तिब ने इतनी तरक्की की है, इस दौर के अंदर अल्ट्रासाउंड मौजूद है, दीगर ऐसे ज़राए मौजूद हैं, तो बाज़ औक़ात डॉक्टर ये खबर देते हैं कि अल्लाह आपको बेटा देगा, वो बेटे के कपड़े तैयार करके, यहाँ कई दफ़ा वाक़या हुआ कि वो बेटे के लिबास और कपड़े तैयार करके लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में तो पैदा बेटी होती है। तो उनका अंदाज़ा कभी सही भी हो सकता है, कभी गलत भी, लेकिन यकीनी तौर पर कि मादा के रहम में क्या है, इसका इलम अल्लाह के पास, एक बात। दूसरी बात ये कि रहम के अंदर जो कुछ है वो सिर्फ ये नहीं है कि जकर है या
सा है, नर है या मादा है, लड़का है या लड़की है, बल्कि रहम के अंदर जो चीज मौजूद है इस माँ का उमूम ये बता रहा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब माँ के पेट में नुतफे को 35-40 में गुजर जाते हैं, यानी 30, 40, 40 और 40, 120 रोज के बाद, अरबाइन 120 दिनों के बाद, जब जनीन के अंदर, बच्चे के अंदर रूह फूंकी जाती है, तो अल्लाह ताला फरिश्ते को हुक्म देती है, युमारु बि अरबा कलिमात, चार चीजें लिख दो माँ के रहम के अंदर, इसकी उम्र कितनी होगी, इसका रिजक कितना होगा, ये शकी होगा या सईद होगा, कैसे जिंदगी गुजारेगा। तो अल्ट्रासाउंड के जरिए ज्यादा से ज्यादा यही मालूम हो सकता है कि ये लड़का है या लड़की है, लेकिन उसकी उम्र का नहीं मालूम हो सकता। ये इलम अल्लाह के पास है, उसका रिजक कितना है ये इलम अल्लाह के पास है, ये कोई मालूम नहीं कर सकता किसी मशीन के जरिए। इसकी उम्र कितनी होगी ये भी अल्लाह के पास है। तो गोया कि माँ फिल अरहाम का माना माँ का उमूम बता रहा है कि वो सब चीज़ें जो मादा के रहम के अंदर जो बच्चा है उससे मुतल्लिका हैं, इनके बारे में सिर्फ अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला के अलावा कोई और नहीं जानता। लिहाजा इस पर भी कोई इतराज़ नहीं बनता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर हजरात अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ये बता सकेंगे कि ये लड़का है या लड़की है, बाकी मालूमात वो किसी तरह कोई भी नहीं बता सकता, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास है। उसके बाद तीसरी चीज, वमा तदरी नफ्सुन माजा तक्सिब गदा, किसी को नहीं मालूम कि वो कल क्या करेगा, क्योंकि कल का इलम, मुस्तकबल का इलम, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुबहानहु व तआला के पास है। कल क्या होगा, इसीलिए अल्लाह ताला के अलावा किसी और से ये जाकर पूछना कि मेरी किस्मत क्या है, मेरा हाथ की लकीरें देखकर बताओ, मेरा कल कैसा रहेगा, मेरा ये साल कैसा गुजरेगा, लोगों ने अपने बुर्जों के साथ अपनी किस्मतें अटैच की हुई हैं, आपका बुर्ज क्या है, आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा, ये मैगजीन उनके आखिर में ये छपते हैं कि आपका बुर्ज क्या है, वो देखकर बता देते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे रहेगा। ये सारी चीज़ें खिलाफ़ शरीयत हैं। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन अता अर्राफन औ काहिनन, जो किसी अर्राफ के पास, अर्राफ होते हैं कि जो जायचे बनाकर या हाथ की लकीरें देखकर हिसाब लगाकर लोगों को बताने वाले कि तेरा मुस्तकबल क्या है, जो इनके पास गया, औ काहिनन या किसी नजूमी के पास गया कि जरा सितारों की चाल देखकर बताओ कि मेरा ये कारोबार कैसे रहेगा, मेरा ये साल कैसे गुजरेगा, तो फरमाया एक दफ़ा अगर कोई गया, मन अता अर्राफन औ काहिनन फसद्दा कहू बिमा यकून फसअलहू, और उससे जाकर उसने पूछा, फिर उसने जो कुछ कहा उस पर उसने यकीन कर लिया, तो एक रिवायत में आपने फरमाया ला तुक्बलु लहू सलातु अरबईन यौमा, 40 दिन तक अल्लाह ताला एक मरतबा किसी से जाकर पूछा और यकीन कर लिया, ऐसे शख्स की 40 दिन तक अल्लाह नमाज ही कबूल नहीं करता। दूसरी रिवायत में फरमाया फकद कफर बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन, इसलिए कि उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इनकार कर दिया है। तो जबकि सूरत हाल इस तरह की है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया कि कल कोई क्या करेगा, इसका इलम सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं। सही बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा तशरीफ ले गए तो वहाँ कुछ बच्चियाँ छोटी वो गीत गा रही थी, उनका तज़किरा कर रही थी। तो जब आप तशरीफ ले आए तो उन बच्चियों ने साथ इस जुमले का भी इजाफा किया, वफीना नबीयुन यअलमु मा फिल गद, हमारे अंदर ऐसे नबी हैं जिनको पता है कि कल क्या हो, क्योंकि आप वही इलाही के जरिए बताते थे क्यामत के बारे में, मुस्तकबल के अहवाल के बारे में। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फौरन टोका। ये रिवायत सुनन अबी दाऊद के अंदर है और सही सनद के साथ है। आपने फरमाया दाई हाजम, इस बात को छोड़ दो, ये बात ना कहो, वकूल इल्लाजी कुंती तकूलीन,
जो आप कह रही थी वही आप अपना गीत वगैरह पढ़ती रहो, ये ना कहो। फौरन टोका, इसलिए कोई ऐसी ऐसा गीत, कोई ऐसी नात, कोई ऐसी नज़म जिसके अंदर अल्लाह ताला के साथ शिर्क हो, जिसके अंदर ऐसी चीज़ हो जो अकीदा तौहीद के मुनाफी है, तो उसकी फौरन तौर पे उसको टोकना चाहिए, रोकना चाहिए। अकीदत में आकर खामोश रहना या अकीदत में आकर ऐसी बातें कहना, उन्होंने भी अकीदत में आकर कहा था लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन मना कर दिया। और सही बुखारी और मुस्लिम की रवायत के अंदर है, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं मन हद्दा सका, जिस आदमी ने आपको ये बयान किया, अन्नहु यअलमु मा फी गद, के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि कल क्या होगा, जिसने आपको ये बात कही फ़कद कज़बा, उसने झूठ बोला। फिर उन्होंने कुरान पाक की आयत तिलावत की और ये सही बुखारी शरीफ की रवायत है, सुम्मा करात मा तदरी नफ्सुन माजा तक से वो गदा, किसी को नहीं मालूम कि कोई कल क्या करे। तो कल का इलम किसके पास है? मुस्तकबल का इलम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम इस लम्हे के बाद यहाँ से उठकर दूसरी जगह पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, रात को सोएंगे सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, कल क्या है, कोई कल क्या करेगा, ये इलम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। और उसके बाद फरमाया वो मा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी को नहीं मालूम कि उसको कौन सी सरजमीन में मौत आए, कि किस सरजमीन के अंदर मौत आएगी, ये इलम अल्लाह के पास है, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ये हमारे वो जलीब के अंदर मैं जहाँ दर्श देने के लिए जाता हूँ तो वहाँ एक हमारे दोस्त थे, दर्श में बैठते थे मिशा चौधरी साहब, उन्होंने अपने बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए वो पाकिस्तान गए, मुझे बताया साथियों ने, मैंने कहा यार वो नज़र नहीं आया, कहने लगे कि वो पाकिस्तान गए थे, तो बच्चों को छोड़कर वो वापस आए कुएं। मैं गया अगले दिन साथियों से पूछा तो कहने लगे जी वो रात को आए तो मिठाई वगैरह भी लेकर आए, हम उनके साथ बैठकर मिठाई वगैरह भी खाई, तो सुबह उसके बाद वो लेट गए, फजर की नमाज के लिए उनको उठाया तो उठे ही नहीं, अल्लाह को प्यारे होते। अब देखिए बीवी बच्चों के साथ रहे, उनको मुल्क में छोड़कर आए, वहाँ 2-3 महीने रहे, तो मौत लिखी थी यहाँ पर, तो जिस दिन वापस आए उसी दिन जहाँ मौत लिखी थी अल्लाह को प्यारे हो। हालांकि अगर मौत आनी थी किसी को इलम हो तो वो ना आते वापस, अपने मुल्क में बीवी बच्चों के पास ही रहते, लेकिन ये इलम किसके पास है? अल्लाह के पास है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन अबी इज्जत यसार इब्ने अब्दुल्लाह अल हुज़ली अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू इज्जा बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नल्लाह इज़ा अरादा क़ब्ज़ा अब्दिन बिअर्दिन, जब अल्लाह ताला किसी बंदे की किसी सरजमीन में रूह कब्ज करने का इरादा फरमाते हैं, अल्लाह ने लिखा है कि इसको मौत कहाँ आएगी, कब आएगी और कहाँ आएगी, तो जब अल्लाह ताला किसी का किसी सरजमीन में रूह कब्ज करने का इरादा फरमाते हैं, जअला लहू बिहा औ फीहा हाजा, अल्लाह ताला उसको वहाँ पर कोई काम डाल देते हैं, अल्लाह ताला उसको वहाँ कोई काम डाल देते हैं, और वो अपने काम के लिए वहाँ जाता है और फरिश्ते को हुक्म होता है कि फलां सरजमीन में इसकी रूह कब्ज करनी है, और वो वहाँ उसकी रूह कब्ज कर लेता है। तो ये भी कि किसको किस सरजमीन में मौत आएगी, इसका इलम भी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। तो ये वो 5 चीज़ें हैं जिनका तज़किरा करने के बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह अलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ का इलम रखने वाला, खबीर हर चीज़ से बाखबर है। ये उलूम के गैब का इलम, मुस्तकबल में क्या होगा, अल्लाह ताला ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साफ फरमा दिया, ये अल्लाह का खासा है। कि मेरे प्यारे हबीब फरमा दीजिए कुल ला यालम मन फिल अर्दिल गैबा, कुल ला यालम मन फिस समावात वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह, फरमा दीजिए कि आसमान और ज़मीन के अंदर गैब अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जानता, और ये मफातिहुल गैब हैं, और ये इनायात की तफसीर है जो अल्लाह की तौफीक से मैंने आपके सामने बयान की। अल्लाह सुबहाना व तआला हमें अपनी किताब मुकद्दस का सही फहम नसीब फरमाए, और अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बयान किया और जो अकायद और नज़रियात प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाए, अल्लाह ताला हमें उन्हीं के मुताबिक अकीदा बनाने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह ताला अपने फजल और रहमत से इसी अकीदे पर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को सिखाया, अल्लाह ताला हमें ज़िंदा रखे।
और इसी पर हमें मौत अता करे, हमारा खात्मा ईमान पे करे। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफे अता फरमाए और अमले सालेह की तौफीक अता फरमाए। कल इंशाल्लाह इससे अगली सूरत सूरत सजदा उसकी तफसीर हम शुरू करेंगे। अल्लाह ताला आपको भी जाय खैर दे, जिस तरह अल्लाह ताला ने अपनी किताब की मोहब्बत और ये इल्म सीखने और सिखाने के लिए हमें जमा किया है। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल करे जिनके बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहू, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पाक सीखता और सिखाता है। अल्लाह ताला हमारे इल्म को इल्म नाफे बनाए और हमें अमल सालेह की तौफीक बख्शे। बारकल्लाहु फीकुम। अस्सलामु अलैकुम।